हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर है यहाँ पे 11 रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। अगर हम ये सिचुएशन देखते हैं कि हमें वापस वो डेटाबेस जो है चाहिए, तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की एक ऑफर के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कि उसमें अपने कस्टमर का डेटा हमें जो हमें सेंड किया था उसको हमें यहाँ पे कस्टमर जो थे उस टाइम पे उसका एड्रेस के साथ हमें डेटा चाहिए। ठीक है, ये सभी डेटा हमने एक टेबल में बनाया हुआ था। अब ये एक यहाँ पे डिटेल्स अगर हम यहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर हो गए। ठीक है, लेकिन अपने पास एक फीचर्स रहती है, वो रहता है क्वेरी। क्वेरी करके हम स्पेसिफिक सेट में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कस्टमर का लिस्ट बताओ जिसने 1 लाख से ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदा था, या तो फिर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल, मतलब कि 2 बार भी सेल नहीं हुए, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुए। ऐसे बहुत सारे की फीचर्स को कंसिडर करके हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें एबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, और ये यहाँ पे क्वेरी के द्वारा हम उसको जो है सेट भी कर पाएंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी तब। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफाइनिंग क्वेरी, मतलब कि क्वेरी क्या होता है। तो क्वेरी मतलब कि एक टाइप की क्वेश्चनरीज, जिस टाइप से हम यहाँ पे डेटाबेस जो हमने बनाया हुआ था उसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछ के पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन उसको ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो है उसी को बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी जो है इसको इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके एक रिकॉर्ड हम सेट कर सकते हैं, और उसी टाइप से हम अगर क्वेश्चनरीज करते रहेंगे तो हमें जो भी टाइप का जिस तरह का डेटा चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपने पास यहाँ पे डेटाबेस है उस डेटाबेस में से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेरी को क्रिएट करवाने के लिए लेफ्ट साइड में बेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरी नाम का एक लेबल किया हुआ आइकन होगा, उसके ऊपर हमें सिलेक्ट करना है। बेस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरी विंडो दूसरे विंडो की तरह ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। यहाँ पे क्वेरी को क्रिएट करवाने के लिए टास्क में जो है टॉप साइड में ये डिस्प्ले भी होगा। अगर अपनी क्वेरीज ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है तो वो लिस्ट के फॉर्म में जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पे फिगर 11.1 जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से विंडो जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें हम फर्स्ट टाइम क्वेरीज आइकन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्वेरीज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे कोई लिस्ट दिखाई नहीं देगा, पूरा एम्प्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्वेरीज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिगर 1.1 देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि टास्क पेन में बेस सॉफ्टवेयर हमें 3 अलग अलग तरीके से क्वेरी क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसमें पहला तरीका था क्रिएट अ क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू, तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ गाइडेंस हमें मिल जाएगा। दूसरा है विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, यहाँ पे विजार्ड हमें जो है प्रोसेस किस तरह से होती है क्वेरी क्रिएशन करवाने के लिए वो बताएगा। तीसरा है यहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन अ एसक्यूएल व्यू, यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनरेशन वाला जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसके बारे में यूज़र को जो है वो नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी वो जो है वो डिज़ाइन कर पाएगा। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें ये लर्न करनी पड़ेगी एज ए यूज़र, तभी हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डेटाबेस के एक्सपर्ट है तो हम यहाँ पे तीसरा वाला जो है एसक्यूएल व्यू वही हम सिलेक्ट करेंगे, और बेस क्वेरी विजार्ड जो है हमें हेल्प तो करेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्वेरी डिज़ाइन में, लेकिन उसमें हमें कोई नॉलेज नहीं होगी तो भी हमें ये काम आएगा। चलो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सभी के बारे में समझते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें यहाँ पे कस्टमर का नेम जो है और यहाँ पे मानो के एड्रेस दिया हुआ है तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे क्वेरी क्रिएशन जो है वो विजार्ड की मदद से करने वाले हैं। तो विजार्ड के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और फिर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जैसे ही दिखाई देगा उसमें हमें लेफ्ट साइड में हमें 8 स्टेप जो है हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन करना कंपलसरी होगा, बाकी सब स्टेप जितने भी रहेंगे उसमें अपने हिसाब से हम आउटपुट को स्किप कर सकते हैं अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो जो भी फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11.2 फिगर में हम देख कर ये बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप अपना यही रहेगा कि हमें सिलेक्ट टेबल, पहले तो टेबल जो है हमें दिया हुआ है उसी के अंदर से फील्ड को सेट करना है। बहुत सारी फील्ड यहाँ पर बताई गई है जैसे कि
कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, कस्टमर वन नेम, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से हमें जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट एरो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वापस भी उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट इन द सेंस वापस भेज सकते हैं। तो ये सभी लिस्ट बुक अपने पास अवेलेबल है। दूसरी बात, यहाँ पे उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा एक टेबल जो है उसमें हम कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे और हम फील्ड को यहाँ पे देख भी पाएंगे जो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में अवेलेबल होगी। दूसरा स्टेप यहाँ पे है सॉर्टिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे और डिसाइड करेंगे किस तरह से डेटा को शॉर्ट आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जो है कस्टमर का फर्स्ट नेम जो इनिशियली लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, और तो उस तरह से यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें अंडरलाइन करना है नहीं करना है ये भी यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड स्टेप है वो विजार्ड है। विजार्ड में एक्चुअली हमें यहाँ पे क्वेरी को ही सेट करना है, तो अपने पास फील्ड के अप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कंडीशन होनी चाहिए और दूसरे पैरामीटर होने चाहिए। हम यहाँ पे एक साथ तीन अलग अलग टाइप की कंडीशन जो है वो क्वेरी में डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम मानो के डाल रहे हैं कि कस्टमर का लास्ट नेम है उसमें शाह आ रहा है, तो शाह जिसमें आ रहा है उसे कस्टमर का हमें लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम जो था कस्टमर का वो फील्ड में डाल देंगे और फिर ड्रॉप डाउन करेंगे, फिर हम उसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें इक्वल टू लिख देंगे और फिर यहाँ पे शाह जो टाइप कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे डेटा में कस्टमर में जिसका नाम शाह से शुरू होगा वो सबको यहाँ पे चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो नाम आएगा उसका नहीं। उसी तरह से अगर दूसरा नेम अगर हम डालते हैं जैसे कि शाह या तो पटेल, तो फिर से वो मैचिंग करेगा, मैच में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो नाम डिस्प्ले होगा, अगर नहीं होगी तो डिस्प्ले होगा नहीं। इस तरह से हम तीन अलग अलग टाइप की कंडीशन एक साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये स्टेप ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे सेवन्थ स्टेप पे जंप मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 4, 5, 6 जो स्टेप जो है वो कैलकुलेशन के ऊपर है, न्यूमेरिक फील्ड के ऊपर है, पर इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर का टेबल जो है उसमें कोई न्यूमेरिक फील्ड नहीं थी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सभी स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्टली सेवन्थ स्टेप पे जंप मारेंगे और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सेवन्थ स्टेप में हम यहाँ पे एलियासिस मतलब कि उपनाम जो भी है फील्ड का वो दे सकते हैं। इस स्टेप का पर्पस यही है कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इसमें हमें अपने फील्ड नेम जैसे कि फर्स्ट नेम है, सर नेम है या तो लास्ट नेम होगा उसके बीच में स्पेस डाल सकते हैं। ये स्टेप जो है वैसे तो ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमें जो है कोई इस टाइप की क्वेरी नहीं चाहिए तो, ठीक है। जैसे ही पूरा एक एलियासिस हम डिसाइड कर लेते हैं फिर हमें नए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पूरा जो पूरा पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली हम यहाँ पे 8th स्टेप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे 8th स्टेप जो है वो सभी हमने जो परफॉर्मेंस किया था उसका ओवरव्यू रहेगा। फिगर यहाँ पे 11.6 हमें बता रहा है कि किस तरह से हमने क्वेरी जो है पूरी यहाँ पे क्रिएट की गई है। और अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट जो लेबल किया है उसके ऊपर नेम ऑफ द क्वेरी जो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कस्टमर लिस्ट, ठीक है। वही अपना यहाँ पे क्वेरी का नेम बनेगा जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी। फिर हमें थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने का मतलब यहाँ पे यही है कि थोड़ा सोचना है, अगर कोई गलती हो रही है तो बैक बटन पे जाके उसको में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो क्वेरी क्रिएट हो जाएगी तो फिर हम डिज़ाइन व्यू को ही चेंज कर पाएंगे, मतलब कि ये सभी स्टेप में फिर चेंज नहीं हो पाएगा। अगर हमें यहाँ पे कोई क्वेरी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, ठीक है, डिस्प्ले करवानी है, तो हम यहाँ पे मॉडिफाई क्वेरी ऑप्शन का भी ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करके एडिशनल फीचर भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारी कैपेसिटी जो है विजार्ड की वो है, उसका अगर हम जानते हैं इस्तेमाल करना तो वो भी हम साथ में ऐड कर सकते हैं और अपनी इस तरह से क्वेरी जो है पूरी फाइनली डिसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्ट वन जो है ख़त्म होता है। पार्ट टू जो है मैं जल्द ही आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।